नगर निगम कैंपस के अंदर मरी हुई गाय गाड़ दी गई। कांग्रेसियों के विरोध के बाद खुदवा कर पुष्टा भेजा गया। इतवार 1 बजे से चला ड्रामा 5 बजे खत्म हुआ। देखिए रिवर दर्शन की एक रिपोर्ट। आइए हम आपको लेकर सीधे चलते हैं नगर निगम के दफ्तर में। यहां पर आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य देख रहे हैं वो कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो आप दोबारा नहीं देखना चाहेंगे। यहाँ पर खाली मैदान में रात के अंधेरे में कई गायों को गाड़ दिया गया जो शहर के ही किसी मोहल्ले से उठाई गई थी। बस फिर क्या था, सुबह हुई, बदबू फैली, किसी गंभीर आशंका की आहट फैली। धीरे धीरे कांग्रेसी पार्षद नगर निगम परिसर में इकट्ठा हुए। इसी दौरान सिविल लाइन्स का पुलिस बल, नायब तहसीलदार सहित नगर निगम परिसर आ पहुँचा। कांग्रेसी वरिष्ठ अधिकारियों सहित नगर निगम के आला अधिकारियों को मौके पर बुलाने को लेकर नगर निगम परिसर के बाहर सड़कों पर बैठ गए। पार्षदों सहित कांग्रेसियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तभी महापौर सहित नगर निगम कमिश्नर, अधीक्षण यंत्री, स्वास्थ्य अधिकारी एक ही गाड़ी से उतरे। बातचीत का दौर प्रारंभ हुआ। कांग्रेसी चाहते थे मरी हुई गायों को गाड़ने के लिए स्थान निश्चित होना चाहिए। उनका कहना था गौ माता के नाम पर वोट लेने वाली सरकार उनकी देखभाल नहीं कर पा रही है। कहने के लिए तो रीवा में बहुत बड़ी बड़ी गौशाला है लेकिन सब दिखावा है। उसी दौरान जेसीबी सहित ट्रैक्टर डंपर परिसर में पहुंच गए। खुदाई प्रारंभ हुई, गड्ढों से कई गाय बरामद हुई। तत्काल फैली हुई बदबू को दूर करने ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल का छिड़काव किया गया। गायों को उठाकर कुष्ठा भिजवा दिया गया। माना जा सकता है गायों को कुष्ठा में हुई हड़ताल के चलते परिसर में गाड़ दिया गया था। इस तरह शहर के बीचों बीच चली 5 घंटे की फिल्म का पटाक्षेप हो गया। इस सस्पेंस भरी फिल्म में कई रंग देखने में नजर आए, कई तरह की बातें आई जिसका जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे। हम केवल यही कहेंगे अंत भला तो सब भला। ये घटना दिख रही है, ये सामान्य घटना हो सकती है, पर हमको ये लगता है कि किसी राजनीतिक दल की इसमें साजिश है और वो जाति दंगा फैलाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं। इसको आपको विवेचना करना है कि किसी राजनीतिक दल ने तो नहीं इस प्रकार की जान की घटना घटा दी। इसमें संभव है तो हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई हो सकता है, ये आपकी विवेचना है। एक चीज इसको आप मुख्य रूप से देखिए, एक चीज मेरी व्यक्तिगत कंप्लेन है। एक आप एक जनप्रतिनिधि हो, आपसे मेरी व्यक्तिगत शिकायत है आपके अधिकारियों के प्रति कि 1 बजे से 1:30 बजे यहाँ कांग्रेस के पार्षद जमे हुए हैं, यहाँ मीडिया जमा हुआ है। अभी कितना बज रहा है? देखिए 4 बजे मैंने TI साहब से आपको यहाँ आने क्या जरूरी है कि जब तक हम लॉ ना तोड़े, बदतमीजी ना करें, तब तक आप चीज़ों को संवेदनशील ही ना माने? किस किस्म की आप लोगों की सोच और किस तरीके का आपका प्रशासन भारतीय जनता पार्टी लोगों से किस तरह से क्या है अभी तक क्या पता चला? हमको अभी नहीं पता चला, हम पता कराते हैं, अभी आ रहा हूँ। तो क्या खुदवाएंगे इसको आज? मैं पता कराता हूँ क्या हुआ है, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर से। सर यहाँ जिंदा और मुर्दा का यदि कुछ हुआ है तो अपन तत्काल कर। जिंदा दफनाए गए एक, मुर्दा दफनाए गए, अब हम पता कराएंगे सर कब इसको निकलवाएंगे? रात में हम पूछते हैं सर, रात में जिस तरह चुपचाप दफनाई गई हैं वैसे चुपचाप निकलवाएंगे? सबके सामने निकलवाएंगे? हम पता कर लेते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ कि रात में जिस तरह दफनाई गई हैं वैसे निकलवाएंगे कि सबके सामने निकलवाएंगे? हम बताएंगे आप कब तक सर कब तक निकलवाने लौट के आ रहा हूँ तो मैं आपसे ठीक सर चलो नहीं है तो चलो हम बता सकते।
ये अभी हमको आप लोगों के माध्यम से ही जानकारी हुई मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पर गायों को कल रात को दफनाया गया है, और अगर गायों को दफनाया गया है तो ये बहुत ही घृणित कार्य है, इसलिए कि शहर के बीचों बीच नगर निगम परिसर में इस तरह की घटना ये बहुत निंदनीय है, या अपराध की श्रेणी में आता है। बहुत सी बीमारियां फैलेगी, महामारी होगी, शहर का आबादी वाला इलाका है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सम्मानित मंत्री, यहाँ माननीय महापौर, और इस परिसर में भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बना हो, उसके सामने अगर इस तरह की कृत्य किया जा रहा तो इससे शर्म की बात और कुछ नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि एक तरफ गऊ को लेकर वो लोगों की हत्याएं करवा देते हैं बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, और एक तरफ गायों को अपने परिसर में लाकर दफनवा रहे हैं, इनको जगह नहीं मिल रही है। भाई अभी तो इसमें ला रही है, बिना परीक्षण के कहना मुश्किल है कि क्या किया गया है, पर जिस तरीके से नगर निगम में कार्य कर रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये काम हो रहे हैं, गाय की हत्या हो रही है, और आज तक इन्हीं गाय के नाम पे इन लोगों ने वोट मांगे और समाज को बांट के और ये राजनीति करते आए हैं। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट भी आ चुका है, हम लोग नगर निगम कमिश्नर को भी बुला रहे हैं, और हम लोगों की ये मांग है कि यहाँ पहले खोद के देखा जाए कि क्या गाड़ा गया है। ये बीच शहर में गाड़ा गया है, ये हमारे शहर का सबसे सघन इलाका है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, आवासीय क्षेत्र है, और निश्चित इस किस्म की कोई चीज़ अगर गाड़ी गई है तो इससे यहाँ महामारी फैलेगी। और जैसा कि हमारे हमें पार्षदगणों ने बताया, सभी लोगों ने बताया कि ये सफाई गोदाम जो यहाँ नगर निगम का है उसके नीचे भी कल इसी किस्म का वाहनों के नीचे गाड़ के और उसके ऊपर वाहन खड़े कर दिए। ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि किसने किया, कैसे किया, इसलिए इसकी जांच हो, ऐसा कमिश्नर की ओर से, आयुक्त जी की ओर से इंस्पेक्टर साहब को दे दिया गया है, और पुलिस इसकी जांच करेगी, और इस जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इनको टीआई साहब को दे दिया है जांच के लिए, और जो भी निष्कर्ष आएगा हम सबसे जो भी दोषी होगा देखिए टीआई साहब वो कर रहे हैं, और इन लोगों ने मांग किया, हमने उनको दे दिया है, और जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।